पुरुष भाइयों को दूध में ये चीज डालकर रोजाना खानी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पुरुषों के अंदर काफी कमियां होती हैं और एक पुरुष ही जान सकता है, मतलब औरत से हटकर जो कमियां होती हैं पुरुषों में, जो आजकल वो कमी को फेस कर रहे हैं, वो सारी कमियां मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इस चीज का नाम है खजूर। देखिए, खजूर का इस्तेमाल आपको रोजाना दूध के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूध के साथ इसका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे आपके शरीर में बहुत तरह के बेनिफिट मिलते हैं। इसमें देखिए, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन BA होता है, विटामिन BK होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैटी एसिड होता है एक सिर्फ खजूर में आपको। अब दूध के साथ लेते हैं तो कैल्शियम इसमें भी है और दूध में भी कैल्शियम है, तो दोनों का कैल्शियम मिलकर जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं एक एक करके आपको सारे फायदे बता देता हूं। देखिए, रोजाना जब आप दूध के साथ खजूर का सेवन करते हैं रात को, सबसे पहला फायदा होगा आपकी मर्दाना कमजोरी में। अगर जो पुरुष अपनी मर्दाना कमजोरी को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं, अब इसके अंदर आपका शीघ्र पतन भी आ जाता है और इसके अलावा स्पर्म काउंट भी, उनकी फर्टिलिटी भी आ जाती है। बहुत से पुरुषों का स्पर्म काउंट कम रहता है, अगर वो चाहते हैं अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना तो दूध के साथ खजूर लेना शुरू कर दीजिए, 2 महीने के सेवन कीजिए और आज स्पर्म काउंट चेक कीजिए और 2 महीने बाद करना, आप खुद फर्क देख लेना। मर्दाना कमजोरी में इसलिए काम आता है क्योंकि मर्दाना कमजोरी, एक शादीशुदा पुरुष जब इन चीजों को फेस करता है तो बहुत ही ये चीजें पुरुष को एक शर्मसार बना देती हैं। मेरी बात को थोड़ा डीपली लें, आप में से कई ऐसे भाई हैं जो कि इस चीज को मतलब बहुत गहराई से सोचते हैं और इसके लिए वो मेडिसिन यूज करते हैं, इंग्लिश मेडिसिन। जब भी आप बेड पर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई इंग्लिश दवा आप जरूर यूज करते होंगे। आपको ये काम सबसे पहले करना है और जिससे कि आपको कोई भी इंग्लिश दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 2 महीने आप इसका सेवन करते हैं, जो मर्दाना कमजोरी से आप गुजर रहे हैं, जो शीघ्र पतन यानी आपकी बेड पर टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है तो आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। शीघ्र पतन का सबसे सटीक इलाज दूध के साथ खजूर का सेवन होना है। अब इसके अलावा स्टेमिना, देखिए जो भाई स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं यानी किसी फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और उनके अंदर स्टेमिना नहीं है, आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो उसमें थक जाते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए स्टेमिना। इससे दिल मजबूत रहता है और बीपी वालों के लिए भी अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा रहता है। तो स्टेमिना अगर आपको बढ़ाना है तो दूध के साथ खजूर लेना शुरू कर दीजिए। और देखिए, जिनको परेशानी है पहले से किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, उनको दूध जो पीना है बिना मलाई का पीना है, बिल्कुल जो फुल क्रीम वाला दूध नहीं, डबल टोन आता है वो दूध आपको पीना है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और जब ये खजूर इसका इसके साथ आप लेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिए, कमजोरी जो आपके शरीर में अक्सर रहती है, कमजोरी में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगला सबसे बड़ा फायदा होगा आपके दिमागी शक्ति के लिए। देखिए, दिमागी शक्ति को इम्प्रूव करता है इसमें जो सारे पोषक तत्व होते हैं, तो इससे आपका दिमागी शक्ति तंदुरुस्त रहता है। धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है जिससे कि आपकी धमनियां अंदर से साफ रहती हैं, खून प्यूरिफाई होता है। इतना फायदा होता है सिर्फ एक खजूर से। आप मजाक में मत लेना, लेकिन जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ फैक्ट है, आयुर्वेद कहता है। आप कोई भी साइंस उठा के लीजिए, आप कोई मेडिकल साइंस उठा लीजिए, उसमें सारी बातें खजूर के बारे में आपको पता लग जाएंगी, एक खजूर में कितना ताकत होता है। अब देखिए, इम्यूनिटी अगर आपकी कमजोर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। अब सर्दियों में आपको इस समय इम्यूनिटी की जरूरत है, सर्दी खांसी जुकाम वायरल इन्फेक्शन आपको सबसे पहले लग जाता है, आप सबसे घर में पहले ही बीमार पड़ जाते हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि आप दूध खजूर लेना शुरू कर दीजिए। साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहेगी और मैंने बोला कि ये आपके पाचन तंत्र को तो इम्प्रूव करता ही करता है। पाचन तंत्र से आपका बिल्कुल परफेक्ट रहता है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, पेट सुबह साफ होता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। कब्ज गैस की शिकायत बहुत कम रहती है अगर आप रोजाना दूध के साथ खजूर का सेवन करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसका सेवन कैसे करना है। इसका सेवन आपको करना है जैसे कि आप रोजाना दूध पी रहे हैं रात के समय, जब आप सब कुछ खा पी लेते हैं, जब सोने के लिए जाते हैं तो दूध जब आप उबालते हैं तो उसमें कम से कम आपको 4 खजूर आपको डाल देने हैं और उनको अच्छे से उबालना है। अगर उबाल नहीं सकते हैं तो खजूर का सेवन साथ में कर लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए, ये तरीका भी आपके लिए बेस्ट है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से खजूर खा सकते हैं, आपके लिए इतना फायदा देगा 2 महीने सेवन करना और अपने आपको 2 महीने में चेंज पा लेना। दोस्तों, आप खुद के अंदर बहुत परिवर्तन देखोगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये बताई हुई टिप्स अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को आगे शेयर कर देना आप अपने भाई लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, जिससे उनको भी पता लगे इस मतलब अनमोल फ्रूट के बारे में। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करके जाना दोस्तों। धन्यवाद।